हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः मैं अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स द रियल लाइफ में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछला वीडियो लेक्चर आपने देखा था, कुछ मैंने इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स कराए हुए थे जो कि नेटवर्क एनालिसिस और थेवेनिन थ्योरम पे बेस्ड थे। आज का जो हमारा नेक्स्ट थ्योरम है नॉर्टन्स थ्योरम, मैंने बताया था कि इसमें हमारे कोर्स में तीन थ्योरम्स पढ़ने हैं, थेवेनिन थ्योरम, नॉर्टन्स थ्योरम और मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। ठीक, इन तीन थ्योरम्स में से थेवेनिन थ्योरम हो चुका था, आज का जो लेक्चर है वो नॉर्टन्स थ्योरम है। नॉर्टन्स थ्योरम में देखेंगे कि कैसे हम लोग किसी भी सर्किट को नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट में चेंज करेंगे और नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट में चेंज करने के बाद कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, जस्ट इसके बाद का जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। इसके बाद इसके दोनों के न्यूमेरिकल्स करा देंगे किसी एक लेक्चर में, जस्ट इसके बाद वाले लेक्चर में दोनों का मैं न्यूमेरिकल दे दूंगा। ठीक, देखिए नॉर्टन्स थ्योरम होता क्या है। जनरली आपने देखा था थेवेनिन थ्योरम जो था, थेवेनिन थ्योरम करता क्या था कि किसी भी सर्किट को इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स में जनरेट कर रहा था या इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर दे रहा था, या जिस भी दो टर्मिनल्स के बीच में हमको थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट चाहिए थी उन दो टर्मिनल्स के बीच में वो इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स जनरेट कर देता था। इसी तरह से जो नॉर्टन्स थ्योरम होता है ये किसी भी दो टर्मिनल्स के बीच में इक्विवेलेंट करंट सोर्स प्रोड्यूस करता है। नॉर्टन्स थ्योरम का कहना ये है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे मेरे व्हाइट बोर्ड पे, कि अगर कोई टू टर्मिनल नेटवर्क है और उसमें कुछ EMF सोर्सेस हैं और कुछ इम्पीडेंसेस हैं, तो उन पूरे को हम लोग सॉल्व करके एक सिंगल करंट सोर्स से हम लोग उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर दिखा सकते हैं। ठीक, या जनरली कह सकते हैं उसको रिप्लेस कर सकते हैं किसी एक सिंगल करंट सोर्स से। ठीक, जैसा कि आप लोग देख पाएंगे नीचे एक मैंने फिगर ले रखा है, तो सर्किट डायग्राम है। अभी सर्किट डायग्राम को ध्यान से देखिए, सेम सर्किट डायग्राम मैंने थेवेनिन थ्योरम में भी ले रखा था। अब थेवेनिन थ्योरम को के सर्किट डायग्राम को ही मैंने यहाँ पे भी यूज किया हुआ है जो थेवेनिन थ्योरम में रखा है। देख पा रहे हो कि यहाँ पे एक पाई नेटवर्क है, सॉरी टी नेटवर्क, एक टी नेटवर्क मैंने ले रखा है जिसमें Z1, Z2, Z3 तीन इम्पीडेंसेस लगे हैं। ZS जो है हमारा सोर्स इम्पीडेंस है और ZL क्या है, लोड इम्पीडेंस है। हमको पॉइंट्स ए एंड बी के बीच में क्या करना था, थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट फाइंड आउट करना था। उसी तरह से यहाँ पे हमको पॉइंट्स ए और बी के बीच में नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट फाइंड आउट करनी है। अब नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट फाइंड आउट करने का मतलब क्या है, हमारा जो ये पॉइंट मिलेगा ये हमारा पॉइंट ए और पॉइंट बी हो जाएगा और इसके जस्ट इक्विवेलेंट हम लोग एक करंट सोर्स जनरेट कर लेंगे। ये जनरली आप जानते हैं कि जो करंट सोर्स मैंने दिखा रखा है ये आइडियल करंट सोर्स का सिंबल होता है। आइडियल करंट सोर्स को हम लोग इस तरह से दिखाते हैं ताकि उसमें रेजिस्टेंसेस होता ही नहीं, या कह सकते हो कि इम्पीडेंसेस की वैल्यू जीरो होती है। एक प्रैक्टिकल सोर्स कैसा होता है, तो प्रैक्टिकल सोर्स की जो वैल्यू होती है या फिर जो प्रैक्टिकल सोर्स का रिप्रेजेंटेशन होगा कुछ इस तरह से किया जाता है। मैंने किया क्या कि इसी को प्रैक्टिकल सोर्स में कन्वर्ट करने के लिए, या फिर जो आइडियल, चूंकि हमारे पास कोई भी आइडियल सोर्स हो नहीं सकता, कोई ना कोई सोर्स होगा तो प्रैक्टिकल सोर्स ही होगा, तो प्रैक्टिकल सोर्स हमने रिप्रेजेंट कर रखा है। यहाँ पे भी इसमें करंट जनरेटर जो है जो IS करंट प्रोड्यूस कर रहा है और जो इम्पीडेंस है इसका जनरेटर का वो ZS है। ठीक, और यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि ZS जो होता है पैरेलल में जुड़ा होता है क्योंकि करंट सोर्स है। ठीक, वोल्टेज सोर्स के लिए हम लोग सीरीज में जुड़ते थे, करंट सोर्स के लिए पैरेलल में। अब देखिए हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा कि हम लोग किसी भी सर्किट को ओपन करके और उससे हम लोग नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट कैसे फाइंड आउट करें। देखिए स्टेप्स में क्या क्या है, नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट को फाइंड आउट करने के स्टेप्स क्या क्या है। तो इसमें सबसे पहला तो काम हम लोग ये करेंगे, नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट को फाइंड आउट करने के लिए थोड़ा सा समझ लीजिए हमारा मेन स्टेप क्या है। मेन स्टेप है हमारा कि पहले हम लोग थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट को फाइंड आउट करेंगे। ठीक, यानी थेवेनिन थ्योरम का यूज करेंगे। यहाँ पे प्रीवियस वाली जो सर्किट थी उसको थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट करेंगे, और जैसे आप थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि आपको एक वोल्टेज सोर्स मिल जाएगा। ठीक, यानी कि जो भी सर्किट आपके पास थी उस सर्किट के इक्विवेलेंट एक वोल्टेज सोर्स आपके पास होगा, और उस वोल्टेज सोर्स को अगर आप करंट सोर्स में कन्वर्ट कर लें तो आपके पास नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट मिल जाएगी। हमारा मेन पर्पज क्या है, सर्किट को करंट इक्विवेलेंट सोर्स में प्रोड्यूस करना या रिप्लेस करना। तो सर्किट को हम लोग करंट इक्विवेलेंट सोर्स में रिप्लेस करना चाहते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, उसका थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट निकाल लें। डायरेक्ट मेथड भी है लेकिन ये आसान पड़ता है थोड़ा सा, तो उसका थेवेनिन इक्विवेलेंट निकाल लें, और थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट निकालने के बाद उसी वोल्टेज सोर्स को हम लोग करंट सोर्स में कन्वर्ट कर लें। जो कि आप लोगों को पीछे मैंने बता रखा है कि वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, थोड़ा सा हिंट यहाँ भी कर देंगे। एक वीडियो लेक्चर मेरा पूरा उसी को डेडिकेटेड है, इक्विवेलेंस ऑफ करंट सोर्स एंड वोल्टेज सोर्स, एक बार जाकर उसको जरूर देख लीजिएगा आप लोग, अगर करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स में कन्वर्जन कैसे करते हैं या फिर कंफ्यूजन हो रहा हो कि क्या होता है ये। ठीक, या ये दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट कैसे होते हैं, ये सारी चीज़ें उस वीडियो में मैंने डिस्कस कर रखा है, तो वहाँ पे जाके एक बार देख लीजिएगा। तो देखिए इसके स्टेप्स में क्या क्या है, इसके स्टेप्स में पहला स्टेप जो है मैंने यही लिख रखा है, फाइंड थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट
हर गिवन नेटवर्क। अब जो भी हमको गिवन नेटवर्क है उसको क्या करेंगे, थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट हम लोग फाइंड आउट करेंगे। उसको फाइंड आउट करने के बाद इसको करंट सोर्स रिप्रेजेंटेशन में या फिर करंट सोर्स में हम लोग कन्वर्ट कर देंगे। ठीक, तो देखिए उसके बाद जो मैंने सर्किट बना रखी है उसमें सर्किट सेम बनी हुई है। सर्किट में क्या है, ये हमारा जो गिवन नेटवर्क था, जो हमारे पास नेटवर्क था टी नेटवर्क, उस नेटवर्क को मैंने चेंज कर दिया किसमें, ये हमारा नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट है, तो सॉरी थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट है, तो थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट मैंने चेंज कर दिया। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि पॉइंट्स ए और बी के बीच में मैंने थेवेनिन इक्विवेलेंट चेंज किया हुआ है, तो यहाँ पर भी ये पॉइंट्स ए और बी एज इट इज है, पॉइंट्स ए और बी के बीच में ही हमने थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट चेंज की हुई है। लोड इंपीडेंस चूंकि यहाँ लगा हुआ था तो लोड इंपीडेंस ZL मैंने यहाँ भी लगा दिया। ठीक, अब इसी चीज को मैंने वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्जन करने के मेथड से, वो इस वोल्टेज सोर्स को मैंने करंट सोर्स में कन्वर्ट कर लिया। अब यहाँ पे जो टर्म्स लिखे गए हैं कौन कौन से टर्म्स है, टर्म्स को देख लीजिए, उसके बाद फिर थोड़ा सा बताया था आपको। देखिए यहाँ पे टर्म जो किए लिखे गए हैं, जैसे कि मैंने ES ले रखा है, हमारा ES क्या है, जनरली जो मैंने पीछे बनाया हुआ था, जो आप लोग इससे पिछला वीडियो लेक्चर जाके देख सकते हैं, थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट वाला। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग टी नेटवर्क को कैसे डायरेक्टली वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं या थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो एक बार आप जाकर वो वीडियो देख लीजिएगा। अब यहाँ जो ES है, इसी को पीछे मैंने थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज EOS से दिखाया था, या EOC कह सकते हैं। ठीक, EOC से दिखाया हुआ था। इसी तरह से जो हमारा थेवेनिन इक्विवेलेंट इम्पीडेंस था उसको मैंने ZOC से दिखाया हुआ था, जो कि यहाँ पे क्या है, ZS के बराबर है। तो EOC हमारा किसके बराबर हो गया, ES के बराबर रखा है मैंने, और ZOC को ZS के बराबर। लोड इम्पीडेंस ZL है ये हमारा। ठीक, तो यही चीज मैंने लिख रखा है कि ES जो होता है वो थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज है, ZS जो है वो थेवेनिन इक्विवेलेंट इम्पीडेंस है, ZL जो है लोड इम्पीडेंस है। तो इसमें कन्फ्यूज ना होइएगा, क्योंकि वहां पे मैंने EOC और ZOC दिखा रखा है, EOC ZOC को ही मैंने यहाँ पे क्या रिप्लेस कर दिया, ES और ZS, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग मान सकते हैं, चाहे जो मान लीजिए, फिर इसमें नोटेशंस कुछ भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक, बस उसको डिफाइन करना होता है कि आप डिफाइन कर दें कि हाँ मैंने ये नोटेशन इस फिजिकल क्वांटिटी के लिए यूज किया हुआ है। ये चीजें हैं। अब देखिए आगे मैं एक दूसरा स्टेप लेके चलता हूँ, जहाँ पे आपको बताने वाला हूँ कि किसी भी वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कैसे कन्वर्ट करें। देखिए यहाँ पे वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट करने का सिंपल सा तरीका क्या होता है, जैसे आप देख पा रहे हैं कि वोल्टेज सोर्स है हमारे पास, इसको करंट सोर्स में रिप्लेस करने के लिए सिंपली हम लोग क्या करेंगे कि नीचे वाले सर्किट में देखिए ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये हमारे पॉइंट्स ए और बी हैं, हमारा पॉइंट ए है और ये पॉइंट क्या है, बी है। जनरली हम इन दोनों पॉइंट्स को शॉर्ट सर्किट कर देंगे, ए और बी को शॉर्ट सर्किट करेंगे। शॉर्ट सर्किट का मतलब इन दोनों को किसी फेरी लो रेजिस्टेंस के वायर से जोड़ देंगे, या कह सकते हैं बहुत ही कम इंपीडेंस हो, ऐसी किसी सर्किट से रिप्लेस कर देंगे इसको। अब रिप्लेस करने के बाद हमारी जो भी करंट फ्लो करेगी वो टोटल करंट कहाँ से फ्लो करेगी, इस ZS से होकर के। ठीक, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, फाइंड आउट कर लेते हैं कि इसका जो करंट है मैक्सिमम करंट ये कितना, ये जनरेटर जो है मैक्सिमम करंट कितना प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ से आप देखिए IL मैंने ZL में करंट दिखा रखा था, तो मैं यहाँ IL ना लेकर के कुछ और भी मान लेता हूँ। मान लीजिए कि इस समय इसमें से करंट I फ्लो करती है, तो अगर I करंट फ्लो करती है, इसको हम लोग IS कर ले, ऊपर IS दिखा रखा है मैंने, तो IS कितना हो जाएगा, ES अपान ZS, ये IS की वैल्यू मिल जाएगी। इसी तरह से हम लोग दूसरा जो स्टेप होता है इसका, वो स्टेप यह होता है कि हम लोग इसमें से जो भी वोल्टेज सोर्सेस हैं उनको शॉर्ट कर देते हैं। शॉर्ट करने का मतलब यह कह सकते हैं कि इनको रिमूव कर दें। अगर इनका कोई इंटरनल इंपीडेंस दिया गया है तो इंटरनल इंपीडेंस रिप्लेस कर देंगे, नहीं दिया हुआ है तो इसको हम लोग सीधे कनेक्ट कर देते हैं, या फिर कह सकते हैं कि इसको रिमूव करके इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक, और इन्हीं दो टर्मिनल्स को ओपन करके इनके बीच देखते हैं कि इफेक्टिव इंपीडेंस कितना है। अब इन्हीं दो टर्मिनल्स को ओपन करके जब इनके बीच इफेक्टिव इंपीडेंस देखेंगे आप, तो चूंकि ये शॉर्ट सर्किट हो गया, इसका इंपीडेंस सिर्फ और सिर्फ ZS आ रहा है। ठीक, तो सिर्फ और सिर्फ ZS आने का मतलब क्या है कि जो हमारा इफेक्टिव इंपीडेंस आएगा वो ZS हो जाएगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा, इफेक्टिव इंपीडेंस निकालते समय हमको लोड इंपीडेंस कंसीडर नहीं करना है, लोड को हटा देना है। ठीक, कई बार लोग कंसीडर कर लेंगे ZL को भी, तो ZL और ZS आपस में पैरेलल में आ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना हमको। लोड को हटा करके और टर्मिनल्स ए और बी को ओपन करके, ओपन करने के बाद इन दो टर्मिनल्स के बीच का इफेक्टिव इंपीडेंस कितना है ये हमको मेजर करना है। ठीक, स्टेप्स को ध्यान से समझ लीजिएगा। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, पॉइंट्स ए और बी जिनके बीच में हमको करंट सोर्स फाइंड आउट करना है, उन दोनों को शॉर्ट सर्किट करेंगे। शॉर्ट सर्किट करने के बाद मैक्सिमम करंट कितनी फ्लो कर सकती है इस सोर्स से, ये फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि IS आ गया, जो कि ES अपान ZS के बराबर आ रहा है। ES अपान ZS मैक्सिमम करंट है जो कि यहाँ से फ्लो कर सकती है। इसके बाद हमको इंपीडेंस फाइंड आउट करना होता है कि इफेक्टिव इंपीडेंस कितना है। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे,
ZL को पूरी तरह से रिमूव करेंगे और रिमूव करने के बाद पॉइंट्स ए और बी को ओपन कर देंगे। पॉइंट्स ए और बी को ओपन कर दिए, इधर जितने भी हमारे करंट सोर्सेस या वोल्टेज सोर्सेस हैं, तो करंट सोर्सेस को ओपन करते हैं, वोल्टेज सोर्सेस को शॉर्ट कर देते हैं। इतना समझ लीजिए, ओपन सर्किट करने का मतलब कि करंट सोर्स में से हम लोग करंट सोर्स को हटा देते हैं जनरली, और वोल्टेज सोर्स होते हैं उनको शॉर्ट कर लेते हैं, और शॉर्ट करने के बाद देखते हैं कि उसका इफेक्टिव इंपीडेंस कितना आ रहा है। अगर आइडियल सोर्स है तो उसको हम लोग उसमें इंपीडेंस नहीं दिया होगा, लेकिन अगर प्रैक्टिकल सोर्स है तो उसमें कुछ ना कुछ उसका इंटरनल इंपीडेंस होगा, और अगर प्रैक्टिकल सोर्स में इंटरनल इंपीडेंस दिया गया है उस इंपीडेंस को हम लोग सोर्स की जगह पर रिप्लेस करेंगे, ठीक, और उसके बाद इफेक्टिव निकालेंगे। तो ध्यान रखिएगा, मैंने अपने केस में आइडियल मान रखा है, तो यहाँ पे हमारा इंटरनल इंपीडेंस नहीं है। अब देखिए, यहाँ पे मैंने आईएस करंट की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, जेडएस क्या फाइंड आउट कर लिया, इफेक्टिव इंपीडेंस। अब हम लोगों को करना क्या है कि इन दोनों को, जेडएस और आईएस को आपस में पैरेलल में जोड़ लेना है। तो हम लोग इसको जनरली जोड़ते कैसे हैं, एक करंट सोर्स जनरेटर दिखाते हैं जिसकी वैल्यू क्या होगी, आईएस होगी, यानी कि ये आईएस करंट प्रोड्यूस कर रहा होगा, और जस्ट इसके पैरेलल में हम लोग एक इंपीडेंस जोड़ लेंगे जिसको हम लोग किस क्या दिखाते हैं, मैंने यहाँ रजिस्टर में रखा है, आप लोग चाहे तो इसको इंपीडेंस के टर्म में बना सकते हैं, इसको क्या लिखेंगे, जेडएस पैरेलल में। और ये हमारे पॉइंट्स क्या हैं, ए और बी, ये हमारा करंट सोर्स रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ से आप लोग आसानी से किसी भी वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक, ये चीजें हैं। अब इसको यहाँ पे करने के बाद जैसे आपको करंट सोर्स में कन्वर्ट कर लिया, तो आपको नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट मिल जाएगी, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब देखिए, ये चीज मैंने नीचे लिख रखा था, मेड द इंपीडेंसेस आर टर्मिनल्स विद लोड रिमूव्ड एंड सोर्सेस ऑफ ईएमएफ रिप्लेस बाय देयर इंटरनल इंपीडेंसेस, ठीक। इसके बाद मैंने ये रिप्लेस कर रखा है, रिप्लेसमेंट में क्या क्या हुआ देख लीजिए, मैंने ये काम किया हुआ है, जो ई एस अपन जेड एस करके मैंने करंट निकाली थी वो आई एस करंट थी, तो यहाँ पे मैंने आई एस करंट जनरेटर लगाया, और उसके बाद उसके पैरेलल में जेड एस इंपीडेंस जो आ रहा था वो मैंने लगा दिया। ये पॉइंट्स ए और बी एज इट इज अभी भी है, और यहाँ पे क्या है, ये लोड इंपीडेंस जेड लगा हुआ है जो कि यहाँ पे ऑलरेडी लगा हुआ था, तो उससे हमको बाहरी सर्किट से भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैंने नॉर्टन इक्विवेलेंट में चेंज करना था, तो मैं अभी ए और बी के लेफ्ट हैंड साइड की जो सर्किट है उसी को लेकर चल रहा था, ठीक। अब देखिए, नेक्स्ट हमारा प्रूफ होता है नॉर्टन थ्योरम को प्रूफ करना। नॉर्टन थ्योरम को प्रूफ करने का मतलब क्या है, एक जैसे हम लोग किसी भी गिवन सर्किट को इक्विवेलेंट करंट सोर्स में प्रोड्यूस किए तो या फिर उसको रिप्लेस किए, तो इसका मतलब क्या है, जो हमारी सर्किट थी वो लोड में जितना करंट भेज रही थी सेम करंट अभी भी लोड में जाना चाहिए हमको रिप्लेस करने के बाद, या उसको करंट सोर्स में कन्वर्ट करने के बाद भी लोड इंपीडेंस में सेम करंट फ्लो करना चाहिए, ठीक। अगर दोनों सेम करंट फ्लो कर रही है तो इसका मतलब क्या है कि दोनों सर्किट एक दूसरे के इक्विवेलेंट होंगी। ये हमारा नेक्स्ट पर्पज होता है कि नेक्स्ट में हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग प्रूफ करेंगे कि हमारा जो सर्किट है वो सेम करंट फ्लो करा रहा है कि नहीं करा रहा है, ठीक। अब देखिए, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जनरली आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये दो सर्किट्स मैंने ले रखी है, एक हमारा क्या है, पहला जो है इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स है, दूसरा क्या है, इक्विवेलेंट करंट सोर्स है। तो एक काम तो आप यही देख कर सकते हैं कि पीछे मैंने जो वीडियो दिखा बताया हुआ वीडियो दे रखा है, पहला इक्विवेलेंस आप कांस्टेंट करंट सोर्स रिप्रेजेंटेशन एंड कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स रिप्रेजेंटेशन, उसको देख लीजिए, वहां भी सेम प्रोसेस बताया हूँ, वहां पर भी आपने दिखाया हुआ है कि आईएल जो होती है आईएल डैश के बराबर होती है, प्रूफ किया गया वहां पे, तो एक तो वहां देख लीजिए, या फिर उसी चीज को मैं फिर से थोड़ा सा बता देता हूँ, हिंट कर देता हूँ कि कैसे कैसे किया गया था वहां पे। देखिए, इसमें करना क्या है आपको, अब हमको सिंपली प्रूफ करना है कि जो आईएल है यानी जेडएल में जो करंट यहाँ पे फ्लो कर रही है वही करंट किसमें फ्लो करेगी, जेडएल में जो हम लोग उसको कांस्टेंट करंट सोर्स में रिप्रेजेंट कर देंगे, यानी कि हमारी आईएल डैश के बराबर होनी चाहिए। अब इसी चीज को प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहला हमारा ये सर्किट है, अब देखते हैं कि यहाँ पे कितनी करंट फ्लो कर रही है, तो यहाँ पे आईएल की वैल्यू कितनी होगी, तो जनरली आप लोग जानते हैं कि आईएल की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, ई एस अपान जेड एस प्लस जेडएल, ठीक, जेड एस प्लस जेडएल लिख रखा है मैंने, ये जेड एल है, कंफ्यूज ना होइएगा, जेड एस प्लस जेडएल, ठीक। अब वहां पे मैंने क्या किया हुआ था, पीछे वाला अगर आप लोग देखेंगे थेवेनिन इक्विवेलेंट, तो ई एस को मैंने ई ओ सी लिखा हुआ है, ठीक, और जेड एस को जेड ओ सी लिखा हुआ है, तो इसी चीज को आप लोग ये भी लिख सकते हैं, ई ओ सी अपान जेड ओ सी प्लस जेडएल, इसी कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि यही चीज मैंने पीछे यूज कर रखा है, अगर आप लोग थेवेनिन थ्योरम वाला वीडियो देखेंगे तो उसमें यूज किया गया है, ठीक। अब देखिए, हमारे पास ये सर्किट से करंट मिल गया कि आईएल कितनी आ रही है, अब हमको निकालना है कि इसमें आईएल डैश की वैल्यू कितनी होगी। आईएल डैश की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमको पता होना चाहिए कि आईएस की वैल्यू कितनी होगी,
आई एस की वैल्यू कितनी थी, अभी मैंने पीछे बताया हुआ था कि आई एस की वैल्यू कितनी आएगी, आई एस की जो वैल्यू हमारी आई थी वो कितनी आई थी, ई एस अपान जेड एस के बराबर। अब ई एस अपान जेड एस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे ई एस को मैंने क्या लिखा हुआ है, ई ओ सी से रिप्लेस किया, जेड एस को जेड ओ सी से रिप्लेस किया, तो आप लोग चाहे तो इसी को ऐसा भी लिख सकते हैं, ई ओ सी अपान जेड ओ सी, कोई दिक्कत नहीं होगी, इसे रिप्लेस कर सकते हैं क्योंकि मैंने हर जगह ई एस को ई ओ सी से दिखा रखा है पीछे वाले वीडियो में, यहाँ पे मैंने ई एस से दिखा रखा है, इसी ध्यान रखिएगा कन्फ्यूजन होइएगा। अब यहाँ पे ये चीज आ गई, अब देखिए जो ये करंट आई एस यहाँ फ्लो कर रही है ये यहाँ से दो पार्ट में बढ़ जाएंगी, एक करंट आई वन होगी जो कि जेड एस होकर फ्लो करेगी और दूसरी करंट आई एल डैश होगी जो कि जेड एस होकर फ्लो करेगी। तो अगर यहाँ पे हम लोग किरचॉफ्स करंट ला लगाए तो हमको पता चलेगा कि जो आई एस की वैल्यू आती है, यहाँ से मैं लिखना चालू करता हूँ, आई एस की जो वैल्यू आती है वो कितनी आएगी, वो आएगी आई वन प्लस आई एल डैश के बराबर। ठीक, अब देखिए हमको एक चीज पता है कि चूंकि ये दोनों ही इम्पीडेंसेस पैरल में जुड़े हुए हैं, तो पैरल में जुड़े दो इम्पीडेंसेस के बीच वोल्टेज डिफरेंस हमेशा सेम होता है, यानी कि इन दो पॉइंट्स जो ए और बी हैं, इन पॉइंट्स के क्रॉस पोटेंशियल सेम होगा। पोटेंशियल सेम होने का मतलब क्या है, कितना पोटेंशियल होगा, तो हमारे पास जो पोटेंशियल होगा कितना आएगा, जेड एस के क्रॉस पोटेंशियल, तो यह हो जाएगा हमारा आई वन जेड एस के बराबर, ठीक, इज इक्वल टू जेड एल के क्रॉस पोटेंशियल कितना होगा, आई एल डैश जेडल, ठीक, ये हमारे पोटेंशियल दोनों बराबर हो गए। यहां से आप लोग चाहें तो आई वन की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो आई वन की वैल्यू कितनी आएगी, अब क्या आएगी, आई एल डैश जेडल अपान जेड एस, ठीक, ये हमारी आई वन की वैल्यू आ गई। अब ध्यान से देखिए हमारी आई वन की वैल्यू ये है, आई एस की वैल्यू ये आई हुई है ई एस अपान जेड एस, अगर ये दोनों वैल्यू जुटा के इसमें पुट कर दूं, ये हमारा जो इक्वेशन है इसको मैं इक्वेशन वन मान लेता हूँ, इक्वेशन वन में पुट कर दूं, तो हमारा आएगा क्या, आई एस की वैल्यू कितनी आ रही है, आई एस इज इक्वल टू ई एस अपान जेड एस, और यही इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई वन को रिप्लेस करना है हमको, आई एल डैश जेड एल अपान जेड एस प्लस आई एल डैश। अब देखिए आई एल डैश इन दोनों में है, आई एल डैश मैं यहां से कामा ले सकता हूँ, आई एल डैश अगर मैं कामन ले लूँ तो क्या आ जाएगा, दैट इंप्लाइज मैं यहाँ से कर देता हूँ ई एस अपान जेड एस इज इक्वल टू आई एल डैश कामन लेता हूँ, आई एल डैश कामन लेने के बाद हमारा आ जाएगा जेड एल प्लस वन अपान जेड एस, यहाँ आएगा जेड एल अपान जेड एस है, ध्यान रखिएगा जेड एल अपान जेड एस प्लस वन, ये पूरा एक ब्रैकेट में होगा हमारा, और आई एल डैश ये हो जाएगा। यहाँ से आप देखेंगे ध्यान से तो हमारा क्या होगा, इसको सॉल्व, ई एस अपान जेड एस इज इक्वल टू आई एल डैश, ये कितना आ जाएगा ब्रैकेट में जेड एल प्लस जेड एस अपान जेड एस, ठीक, यहाँ आप देख पा रहे हो कि जेड एस से जेड एस नीचे नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक, और यहाँ से आई एल डैश की आप वैल्यू निकाल सकते हैं, तो आई एल डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आई एल डैश की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी आपकी ई एस अपान जेड एल प्लस जेड एस, और यही किसके बराबर थी, यही वैल्यू आई एल के बराबर थी, लोड के बराबर, क्योंकि अभी मैंने पीछे लिखा हुआ था आई एल की वैल्यू कितनी आई हुई थी, यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से भी आई एल इज इक्वल टू क्या था, ई एस अपान जेड एल प्लस जेड एस, तो देख पा रहे हैं कि यहाँ से आप आई एल और आई एस को सेम दिखा पा रहे हैं, यानी कि ये दोनों सर्किट्स क्या हैं, एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं। अब अगर हम टी नेटवर्क की बात करें तो टी नेटवर्क से हम लोग आई एल की वैल्यू निकाले हुए हैं, आप जाके थ्योरम वाला थ्योरम वाला एक वीडियो देख लीजिएगा, उसमें मैंने पूरा प्रूफ कर रखा है कि अगर आप टी नेटवर्क को सॉल्व करेंगे तो टी नेटवर्क के कारण लोड इंपीडेंस में कितनी करंट फ्लो करती है, और जब हम लोग उसको इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर देते हैं तब लोड इंपीडेंस में करंट कितनी फ्लो करेगी, ठीक, ये मैंने वहाँ पे पूरा प्रूफ कर रखा है, तो जिसको भी कन्फ्यूजन हो कि ये कैसे प्रूव हुआ तो आगे एक बार वहाँ जाकर के पीछे वाला वीडियो देख लीजिएगा, ठीक। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि अगर हम लोग वोल्टेज इक्विवेलेंट सोर्स और करंट इक्विवेलेंट सोर्स दोनों से दिखा पा रहे हैं कि लोड इंपीडेंस में करंट सेम जा रही है, तो मतलब क्या है, ये दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट है, तो यहाँ से आप लोग नॉर्टन थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं, नॉर्टन थ्योरम विद द हेल्प ऑफ थेवेनिन थ्योरम, ऐसे प्रूव कर सकते हैं। इसका जो दूसरा मेथड है, कोई कई बार लोग पूछ लेते हैं कि डायरेक्ट मेथड क्या है, डायरेक्ट मेथड में क्या करना है आप लोगों को, डायरेक्ट मेथड में कुछ नहीं करना, देखिए सिंपली जो ये लोड है इस लोड को रिमूव करना है और इन दोनों पॉइंट्स ए और बी को शॉर्ट सर्किट कर देना है, ठीक, शॉर्ट सर्किट करने के बाद आप लोगों को इसमें करंट फाइंड आउट कर लेना है कि इस ए और बी टर्मिनल्स के बीच में इसमें करंट कितनी जाएगी, यानी कि हमने जो अभी अभी बताया था कि जो करंट आई एल हम फाइंड आउट करेंगे
जनरली इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, IOC, ये हो जाएगा हमारा नॉट एन इक्विवेलेंट करंट। नॉट एन इक्विवेलेंट करंट जनरेटर हमारा कितना करंट प्रोड्यूस करवाएगा मैक्सिमम, तो IOC हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। उसके बाद इस लोड इंपीडेंस को हटाए हुए ही इस शॉर्ट सर्किट को भी हटा देंगे। शॉर्ट सर्किट को हटाने के बाद जो वोल्टेज सोर्स है इसको शॉर्ट कर देंगे, और इसके बाद इसका इफेक्टिव इंपीडेंस निकाल लेंगे, पूरे सर्किट का इफेक्टिव इंपीडेंस पॉइंट्स ए और बी के बीच निकालेंगे कितना आएगा। अब जो भी आएगा उस इंपीडेंस को निकालने के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ पैरेलल में कनेक्ट कर देना है। पैरेलल में कनेक्ट करने का मतलब IOC और IOC के पैरेलल में, मान लीजिए कि इसका जो इफेक्टिव इंपीडेंस आया वो ZOC आ गया, तो IOC के पैरेलल में ZOC को कनेक्ट कर देना है, आपको सीधे मिल जाएगा क्या, नॉट एन इक्विवेलेंट सर्किट। तो आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं, नॉट एन इक्विवेलेंट सर्किट डायरेक्ट भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट का यूज करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं। दोनों मेथड आपके पास है, चाहे जिसे करें। अभी मैं न्यूमेरिकल्स करूंगा तो दोनों मेथड से न्यूमेरिकल करके बता दूंगा आपको कि कैसे दोनों मेथड से न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं। ठीक, वहां पे भी आप वेरीफाई कर पाएंगे कि दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं कि नहीं है, न्यूमेरिकल जब आप करेंगे तो पता चल जाएगा। तो ठीक है, अभी तक मिलते हैं इस वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारा होगा मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है क्योंकि ये भी कई बार पूछा गया है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।